हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अवि कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडिया जॉब अलर्ट। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्रेकिंग न्यूज है वह यह है कि झारखंड में प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक और माध्यमिक विद्यालय 6 से 8 तक के लिए नियुक्ति बहुत जल्द निकाली जाएगी और जेटेट पास परीक्षार्थियों के लिए सीधी भर्ती दिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को बहुत जल्द नियुक्ति किया जाए। चलिए डिटेल में जानते हैं कि टोटल वैकेंसी कितना है, कब से आवेदन लिया जाएगा और कौन कौन आवेदन कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, डिटेल में जानने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो न्यूज है वह हमने आज के न्यूज़पेपर प्रभात खबर से लिया। प्राथमिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने एक और काउंसलिंग कराने का फैसला किया है। टेट पास हजारों अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत बड़ी राहत है। प्राथमिक शिक्षक के लिए आवश्यक अर्हता प्राप्त युवाओं के लिए खुशखबरी है। वैसे अभ्यर्थी जो 2015 से 16 में प्राथमिक शिक्षकों की हुई नियुक्ति में चयन होने से वंचित रह गए थे, उन्हें एक और मौका मिलने वाला है। राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में एक और काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 7384 रिक्त पदों को भरने को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है। इनमें से कक्षा 1 से 5 प्राइमरी व कक्षा 6 से 8 अपर प्राइमरी दोनों के शिक्षक नियुक्त होंगे। वर्ष 2015 में जिला स्तर पर हुई कई काउंसलिंग के बावजूद बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त हो गए थे। इससे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हजारों अभ्यर्थियों नियुक्ति से वंचित रह गए थे। अब कोर्ट के आदेश पर एक और काउंसलिंग कराई जाएगी, जिलों को भेजे जाएंगे। निर्देश में विभिन्न काउंसलिंग में भाग लेने वाले वैसे अभ्यर्थी जिनका मूल शैक्षणिक व अन्य प्रमाण पत्र जिला कार्यालयों में जमा है उन्हें वापस करने को कहा गया है। पूर्व में हुई अंतिम काउंसलिंग की तिथि अंकित करते हुए काउंसलिंग के बाद श्रेणीवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का कट ऑफ मार्क्स भी वेबसाइट पर प्रकाशित करने को कहा गया था। सभी चयनित तथा बिना चयनित अभ्यर्थी तथा काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की श्रेणीवार ब्यौरा तैयार कर निदेशालय को उपलब्ध कराने तथा PDF वेबसाइट पर 1 सप्ताह के भीतर अपलोड करने तथा अखबारों के माध्यम से इसकी सूचना देने को कहा गया है। अपलोड ब्यौरा पर ईमेल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी जाएगी। इन आपत्तियों की जांच कर ब्यौरा को अपडेट करने को कहा गया है। गैर पारा भी शामिल हो सकते हैं, पारा शिक्षक। निदेशालय द्वारा जिलों के दिए गए आदेश के अनुसार DPE योग्यताधारी पारा शिक्षक जिस कोटी पारा शिक्षक कोटा या गैर पारा शिक्षक में आवेदन दिए हो उन्हीं उसी कोटी में शामिल किया जाएगा। जिन पारा शिक्षकों को गैर पारा शिक्षक में आवेदन देने के कारण पूर्व में काउंसलिंग से वंचित कर दिया गया था उसको आवेदन करने वाली कोटी में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। जो शामिल नहीं हुए थे उन्हें नहीं मौका मिलेगा। पूर्व में काउंसलिंग के लिए चयन होने वाले एवं बुलाने के बाद भी इसमें शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को अब काउंसलिंग का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। 4787 व मध्य विद्यालय में 751 शिक्षकों के पद रह गए हैं खाली। राज्य में इस माह के अंत तक प्राथमिक व मध्य विद्यालय में वर्ष 2015 से 2016 में हुई नियुक्ति के बाद रिक्त रह गए पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के दिशा निर्देश के बाद जिलों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वर्ष 2013 की शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद हुई शिक्षक नियुक्ति में कक्षा 1 से 5 में 4787 व कक्षा 6 से 8 में 751 पद रिक्त रह गए थे। कक्षा 1 से 5 में 12,486 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। वहीं कक्षा 6 से 8 में 3,963 पद के लिए जिला स्तर पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। कक्षा 1 से 5 में पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित 1,646 पद रिक्त रह गए थे।
कक्षा 1 से 5 में पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित पद में से सबसे अधिक 166 पद गोड्डा में रिक्त हैं। वर्ष 2015 से 16 में हुई शिक्षक नियुक्ति में पारा शिक्षकों को गैर पारक कोटी में नियुक्त नहीं किया गया था। कई जिलों में पारा शिक्षकों को मेघा अंक गैर पारा कोटी के अभ्यर्थी से अधिक था, इसके बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी। अब होने वाली काउंसलिंग में पारा शिक्षक गैर पारा कोटी में चयनित हो सकेंगे। ऐसे में पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित रिक्त रह गए हैं 1646 पद के अलावा सीधी नियुक्ति वाले शिक्षक के पद पर भी उनकी नियुक्ति की जाएगी। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में एक अभ्यर्थी को एक से अधिक जिले में आवेदन देने की अनुमति नहीं दी गई थी। सभी जिलों में एक साथ एक दिन काउंसलिंग नहीं हुई। ऐसे में कई अभ्यर्थी एक से अधिक जिलों में नियुक्ति के लिए काउंसलिंग में शामिल हुए, उनका चयन भी हुआ। चयन के बाद योगदान वाले जिला को छोड़कर अन्य जिले में सीट रिक्त रह गई थी। इसके अलावा कुछ जिलों में आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण भी सीटें रिक्त रह गई। वर्ष 2015 से 16 में हुई शिक्षक नियुक्ति के बाद रिक्त रह गए शिक्षकों के कई पद। पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित पद में से 1646 पद रह गए थे रिक्त। राज्य सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। रिक्त रह गए 1646 पदों के अलावा सीधी नियुक्ति वाले शिक्षक पद भी पारा शिक्षकों की नियुक्ति होगी और साथ में टेट के प्रमाण पत्र की मान्यता 2 वर्ष बढ़ेगी। शिक्षक नियुक्ति को लेकर शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र की मान्यता 2 वर्ष बढ़ाई जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र मान्यता 5 वर्ष की होती है। मई 2017 में प्रमाण पत्र की मान्यता समाप्त हो गई थी। सरकार ने प्रमाण पत्र की मान्यता 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और एग्जाम प्रिपरेशन और जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इंडिया जॉब अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।